Hero Destiny 125, India's first scooter with advanced i3s technology, जो रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिकली बंद करे, फिर स्टार्ट हो आसानी से और पेट्रोल बचाए। Hero Destiny 125। आर्य पब्लिक स्कूल बंगाड़ा में वार्षिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नायब तहसीलदार धर्मपाल नेगी ने शिरकत की। छात्रों को संबोधित करते हुए नेगी ने कहा कि छात्रों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में सहभागिता भी करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लेकिन अन्य गतिविधियों में नहीं भाग लेता है। एक बच्चा है जो एटी के आसपास भी चलता है, लेकिन वो उसके जो सामाजिक क्रियाकलाप, खेलों के प्रति रुचि, पढ़ने के प्रति, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा कर पाता है। तो बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा आज के दिन कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, जहाँ तक कि मैडम ने रिजल्ट के बारे में बताया कि पिछले 3 साल से जो बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एजुकेशन के मामले में। सेकेंडली, मैट्रिक का रिजल्ट आपके 15 बच्चे बताए थे, तो 15 बच्चों में से ऑलमोस्ट सारे ही 80+% में हैं, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और मैंने आपको बताया भी है कि आर्य पब्लिक स्कूल के बारे में मैंने एक चीज़ शुरू से देखी है कि हर मंच पे परफॉर्म करते हैं बच्चे, और जान के खुशी होती है। आज मुझे बोलने का मौका लगा तो बोले बिना रह नहीं पाऊंगा। बच्चों को प्रतीक्षा रिजल्ट की होगी, तो बच्चों मैं आपको इसके बारे में सुनकर मैं पहले से देता हूँ, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे वो तो करेंगे, जिनके नंबर कम आएंगे उनको मैं ये बोलूँगा कि बेटे कड़ा संघर्ष करो, रुकना नहीं है। आप, मेरी उम्र 45 साल होगी, मैं आज ही पढ़ रहा हूँ, और उसका नुकसान ये है अगर बाद में पढ़ोगे तो जल्दी चश्मा लग जाएगा, ठीक है? तो आपके पास मौका है, आज पढ़ो, मेरी उम्र में नहीं पढ़ना, ठीक है? तो स्कूल मैनेजमेंट का, अध्यापक, अभिभावक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चों, हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बंगाणा से जोगेंद्र देव आर्य की रिपोर्ट।